हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिल्मी पकोड़ा में। तो दोस्तों, इस सॉन्ग की हम बात करने वाले हैं, उस सॉन्ग का नाम है आशिकी दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। इस सॉन्ग को लिया गया है सर्कस मूवी से। इसको गाया है बादशाह और अमृता सिंह ने, उसको कंपोज किया है खुद बादशाह ने और म्यूजिक दिया है हितेन ने, उसको लिखा है खुद बादशाह ने। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? जी हाँ, तो शुरू करते हैं रिएक्शन वीडियो। आइए देखते हैं। भोली भाली लड़की क्या बात है, क्या फील है यार गाने कर ले क्या स्टेप है यार, बस स्टेप है यार, गजब यार, अपन कर सकते हैं। क्या भाई, कैमरा को मारेगा। क्या बात है यार, फील लगाने में बात से एकदम कूलनेस के साथ गाता है। हाँ, ये कर लो पहले। मैंने जब नाम सुना था ना गाने का, मैंने सोचा था कोई सैड सॉन्ग है, आशिकी नाम है, तो मैंने सोचा था यार ठीक है, सर्कस में अपन ने जब पहले वीडियो में बात की थी कि इसमें सैड सॉन्ग वगैरह नहीं आएगा, तो लगा कि हाँ, अपनी बात को ज्यादा सीरियस ले लिया। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, पूरा कर दिया। मैंने भी पोस्टर देखा था ना सॉन्ग का, तो मुझे भी लगा था ये चार बस कोई नहीं है, रणवीर सिंह और दोनों एक्ट्रेस हैं, लेकिन सब दिखा दिए, सबके सब डांस कर रहे हैं, सब आ गए। क्या फील है यार, कुछ यूनिक किया है, और सारे डांस कर रहे हैं, डांस भी कितना इजी है ना, जिनकी गमे में फील हो रही थी। अक्सर क्या होता है, वो भी आ चुके हैं इस सॉन्ग के अंदर, वो तो है, वो उन्होंने दिखाया नहीं, नहीं अभी तक दिखाया नहीं था, लेकिन इस सॉन्ग के अंदर उनको दिखाया। अक्सर क्या होता है, टाइटल सॉन्ग होता है ना, उसमें सब डांस करते हुए नजर आते हैं। वो ये टाइटल सॉन्ग है, टाइटल सॉन्ग है, टाइटल सॉन्ग है। अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। या क्या हो गया, मतलब गाने भी ऐसा हो रहा है कि अभी रिएक्शन को छोड़ के डांस करने कर ले तो रहन दो फिर। इसमें यार गाने में डांस के साथ साथ रोमांस के साथ साथ सब कुछ है इसमें, उससे मेरा क्या फायदा। वही तो, हाँ वो तो है यार, लिरिक्स शानदार, गाया कितना शानदार। एक जो है ना यहाँ की जो एक एनवायरनमेंट दिया है ना, इसका जो लोकेशन हाँ। है वो एक कितनी अट्रैक्टिव है ना। खैर इन बातों को छोड़, एक लविंग वाली एनवायरनमेंट दिया है, फील वैसा दिया है, बहुत शानदार है यार। याद 60s की पूरी अच्छे से याद दिलाई, फ्लावर वगैरह, पेड़ पौधे, क्या गजब है ना, और डांस भी बहुत प्यारा कर रहे हैं दोनों, डांस भी स्मूथ है और गाना का स्मूथ है ना, बिल्कुल मजा आ रहा है सुनने, दोनों कपल्स अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, जो साइड एक्ट्रेस है वो भी अच्छे लग रहे हैं। बादशाह ने बहुत अच्छा गाया यार, बादशाह अच्छे गाते हैं यार, जब भी गाने लेके आते हैं ये वाला गाना कुछ बहुत जबरदस्त लग रहा है। अच्छा आज यही करूंगा, ये तो आने था क्या है, पीछे वाले भी डांस अच्छे कर रहे हैं, ये स्टेप बढ़िया, ये बढ़िया यार, ओहो सारे एक साथ।
क्या बात है, क्या बात है, आशिकी ऐसे करते हैं क्या आशिकी की है, आशिकी को राउंड कर दिया, कर ले आशिकी, दिल जीत लिया यार गाने में, दिल जीत लिया। तो कॉमेडी करेक्टर से वो ऐसे ही आशिकी करते हैं, कर ली नहीं यार, दिल जीत लिया, वाकई में दिल जीत लिया गाने। अच्छा मतलब जो स्टार्ट हुआ था तब ऐसा थोड़ा सा ऐसा लगा था ठीक ठाक है ऐसा होगा, बट धीरे धीरे जब डांस हुआ और जो स्टेप है ये वाला, ये क्या साथ था, ये ओपन करना स्टार, वही डांस अच्छा लगा। और कैसा लगा बताओ यार, कई दिनों बाद बादशाह का सॉन्ग इतना अच्छा देख रहा हूँ, आए लेकिन ये कुछ ज्यादा अच्छा, मुझे ज्यादा अच्छा लगा, ये एक ऐसा है कि हाँ मतलब वाकई में इस पे आराम से कोई भी डांस कर सकता है, ऐसा गाना है ये। हाँ बादशाह यार हमेशा ऐसे सॉन्ग आते हैं, इनके गाने के अंदर जो होता है कूलनेस होती है कि स्मूथनेस होती है, जो वर्डिंग होती है ना दिख रही है ना वो अच्छी लग रही है, वर्डिंग सबको समझ में आती है, इनके लिरिक्स बहुत ही शानदार होती है। नॉर्मली मतलब जो इंसान को लिरिक्स पे डांस करना मतलब चाहता है वो आराम से कर सकता है, आराम से। अरे कहना क्या चाहते हो, वही तो बाकी जो सिंगर मतलब जो पॉप सिंगर होते हैं थोड़ा सा मुश्किल होता है उनके गानों पे डांस करना, एक तो उनके बीट नहीं मिल पाती जिसके तो ऐसे कर लो, ये तो रफ्तार को देख लो कितनी रफ्तार है उसके, नहीं है ऐसी बात नहीं है, जब ऐसे गाने मिलते हैं वो भी कर लेते हैं, बट इन्होंने जो किया बहुत बेहतर, बहुत दूसरा क्या डांस है यार, ये डांस अच्छा लगा, ये स्टेप तो बड़ी स्टेप बहुत शानदार थी, बस लायक है क्या काम करने दे। और एक ये कैमरा वाली कर ले आशिकी करने की, आशिकी बहुत अच्छी की है इन्होंने, रियल में मतलब क्या कहूँ यार, बस मेरे पास कोई लफ्ज नहीं इस गाने के लिए, तो रहन दो फिर, मतलब ऐसा हो रहा है कि इस मूवी में एक से बढ़ के एक गाने आ रहे हैं, एक से बढ़ के एक गाने, इससे पहले जो आया था सुन जरा वो भी अच्छा था, वो भी करंट लगा वैसे ही अच्छा था, ऐसा है कि ऐसे ही अगर 3-4 गाने और आ गए तो न्यू ईयर तो हो गया सबका, लोग फिर आशिकी करेंगे न्यू ईयर पे, ऐसे तो करते हैं अपने 14 मार्च या 14 फरवरी, अरे झूठ बोल रहा है, फरवरी को 14 फरवरी को, फरवरी क्या यार सिंगल लोगे पता नहीं ज्यादा साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे तो ये बढ़िया भाई, सॉरी भाई इसके लिए। तो वैसे तो 14 फरवरी को आशिकी की जाती है, पर इस बार करेंगे 25 जनवरी को, ख्वाब दिखाता है मादर जात, फोड़ी देंगे साला, अरे यार सॉरी 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर क्यों, कब आ रही यार, क्रिसमस पे कर लेंगे यार, 23 को आ रही है, कल यार बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हो, ओ मैं थोड़ा ज्यादा आगे चला गया, भावनाओं में बह गया था, कोई इधर-उधर हो जाता है, हो जाता है, तो ये कहेंगे गाना बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा, एक डांस करने का मजा आया, एक सुनने का मजा आया, और एक सबसे अलग चीज कि इस गाने में हमें कुछ अलग एनवायरनमेंट के साथ जैसे कि 60s की याद दिलाने के साथ अभी का दोनों दौर का एक वो दिखाया कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, रोहित शेट्टी सर की तारीफ करनी पड़ेगी, बिल्कुल बहुत ज्यादा तारीफ करनी होगी, इस सॉन्ग में उनको भी आना चाहिए था, एक झलक मार देते हैं और मजा आ जाता, मजा आ जाता, कंट्रोल 99% मजा था उसमें, एक और हो जाता तो पूरा बम्पर हो जाता गाना, वही है, तो यही है, मिलते हैं ऐसे एक और शानदार वीडियो के साथ, जब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर, और ये जो बेल आइकन है इसको जरूर दबा दीजिएगा, ये भूल गए हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, पहले सब्सक्राइब कर लेना, सोचे मत सब्सक्राइब कीजिए, करके ही जाना, नहीं किया तो कर लेना यार प्लीज, ठीक है, और मिलते हैं बहुत जल्द, स्टे ट्यून्ड, बाय।